नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपका राजस्थान जीके और सामान्य विज्ञान का क्विज नंबर 7। और दोस्तों, कल दो खास वीडियो आने वाले हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कल मॉर्निंग में एक तो आ जाएगा आपका राजस्थान LDC की बेस्ट बुक के बारे में कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा, और कल दोपहर में राजस्थान पुलिस SI और LDC में आने वाले हिंदी सब्जेक्ट का पहला लेक्चर यानी कि पहली क्लास कल दोपहर तक आ जाएगी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्विज नंबर 7। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर राजसमंद? तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। दूसरा क्वेश्चन, राज्य में पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, जैसलमेर बाड़मेर में, बीकानेर नागौर में या फिर डी ऑप्शन सीकर झुंझुनू में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर बाड़मेर में। तीसरा क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोठारी, गंभीरी, वागन या फिर मांगली? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मांगली। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक है? बांस, नीम, ढोकड़ा या फिर गुलर? इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ढोकड़ा। पांचवा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1958, 1961, 1965 या फिर 1976? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1961। छठा क्वेश्चन, राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या फिर टोंक? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा। सातवां क्वेश्चन, मांडू की पाल जो कि है डूंगरपुर में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, फ्लोराइट, नमक या फिर यूरेनियम? करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइट। आठवां क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत है 60.4, 66.1, 67.6 या फिर 75.7? तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 66.1। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान में पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? राजनगर, मकराना, जयपुर या फिर किशनगढ़? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़। दसवां क्वेश्चन, पुलिस अधीक्षक पद का सृजन कब किया गया? 1807 में, 1830 में, 1772 में या फिर 1805 में? करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1807 में। ग्यारहवां क्वेश्चन, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? सीसा, इस्पात, लोहा या फिर एल्यूमिनियम? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीसा। बारहवां क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। तेरहवां क्वेश्चन, CO2 के एक मोल में होते हैं कितने होते हैं आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन 6 × 10³³ O, यानी O किसके लिए रिप्रेजेंट है? ऑक्सीजन के लिए, परमाणु। दूसरा ऑप्शन 18 × 10³ CO2 अणु। तीसरा ऑप्शन CO2 के 3 ग्राम परमाणु। या फिर लास्ट ऑप्शन डी वाला, 6 × 10³ C परमाणु। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 × 10³ सी परमाणु। चौदहवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन? तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। पंद्रहवां क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या फिर लास्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का? तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो क्विज नंबर 7 राजस्थान जीके और सामान्य विज्ञान का। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए नीचे कमेंट जरूर करना, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो इसी टाइप के डेली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।